अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह एक बहुत खूबसूरत आवाज़ से मेरी आँख खुली। खिड़की से जाग के देखा तो एक स्ट्रीट सिंगर कुछ नाद गा रहा था। उससे मुझे अपना बचपन याद आने लगा और अक्सर लाउड स्पीकर्स पे वो आवाज़ जुमे को सुनाई देती थी। अच्छा लगता था पुराने होटलों में, गोटों में और गांव देहात में स्पीकर्स लग के जुमे वाले रोज़ और एहतमाम होता था नातों का, खवालियों का, तो उनकी आवाज़ें आती अच्छी लगती थी। आज वही एहसास वापस से हुआ एक प्यारी सी मासूम सी सदा सुन के, और वही माहौल जैसे दोबारा नज़र आने लग गया। मैंने अपने पर्दे की खिड़की से हल्की सी ओट से उसकी वीडियो बनानी चाहिए, जो फनकार ही कहेंगे उसको या दरवेश कहेंगे उसको, जो वो नात गा रहा था या सुना रहा था, क्योंकि उसके हाथ में हारमोनियम भी था। मैंने बनानी शुरू की तो उसकी नज़र मेरे पर पड़ गई और उसने नीचे से ही दुआ दे दी। अब जब नज़र भी पड़ गई, दुआ भी दे दी, तो ऐसा फील हुआ कि ये तो ज़्यादती होगी कि इसको सलामी ना दी जाए। फिर मैंने अपने केयर टेकर से कहा कि बेटा आप नीचे जाइए और उनको मेरी दुआ दीजिए और उनसे कहिए कि थोड़ा सा गुनगुना दे या सुना दे, टेप करके मेरे लिए ले आओ। उस बच्चे ने जो गा रहा था मेरे लिए तो बच्चों की तरह है, मेरा नाम पूछ के उसने या मेरी आरजू अली ने बता दी होगी जो मेरा केयर टेकर है, जो भी हो उन्होंने नाम लेके फिर उस नात को सुनाया। इतना अच्छा लगा मैं बयान नहीं कर सकती, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी थोड़ा सा ये कहना ज़रूरी था, उस बात को बताना ज़रूरी था। थोड़ा सा पस मंज़र अच्छा लगता है, ऊपर से अली बेटा जो रात को आप 27वें शब के जो इतर लाए थे वो लेके आओ जल्दी से। तो रात भर के जागे हुए हम लोग, सुबह में थोड़ी देर फजर के बाद सोई थी, 27वीं शब थी। वो सामने ही हमारे घर के फैज़ान मदीना है, तो वहाँ पे नात खानी और इबादत हो रही थी। तो मेरी इधर से आके दो अपनी सूरत भी दिखा दो थोड़ी सी। आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता, एक मिनट के लिए आज नज़र आना चाहिए ना। ये अली मियाँ है, वालेकुम अस्सलाम। ये अली मियाँ है, अली मियाँ मेरे लिए इतर लेके आए थे, तो अब आप जा सकते हैं। तो अली नमाज इबादत कर रहा था अपने वहाँ फैज़ान मदीना में 27वीं शब पे, पूरा मोहल्ला ही जाग रहा था, ईद सी बन रही थी। तो वहाँ मुझे परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मुझे इतर बहुत पसंद है, शायद वालिद साहब की तरफ से आए। तो एक का नाम सबाया है, तो दूसरे का नाम, इसका नाम है हुस्न यूसुफ, और इनकी खुशबुएं बहुत बहुत पुर असर हैं माशाल्लाह। तो अली मियाँ ये रात को लेके आए, इतना अच्छा लग रहा था, पहले भागता हुआ मस्जिद किया, उसने देखा इतर वाला है, वापस से रुमाल में खुशबुएं लगा के लाया, इसमें से कौन सी अच्छी लगी, तो काफ़ी सारी थी मगर उनकी खुशबू ज़रा हैवी थी, मैं घबरा जाती।
ये खुशबू जो होती हैं, ये हल्की फुल्की फूलों जैसी खुशबू, और हुस्ने यूसुफ़ का तो बात ही कुछ और है, और ये सबाया की भी बात कुछ और है। मौलवी साहब ने खुद ही ने लिखा हुआ है, कुछ नाम मैं शायद सही नहीं पढ़ पा रही, लेकिन सीन बे अलिफ ये अलिफ तो सबाया ही होगा, और ये हुस्ने यूसुफ है, ये वाजे लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत खुशबू है। तो इनकी भी एक खुशी थी, फिर ये मेरी बेटी एक बिल्कुल बच्चों से भी ज़्यादा है, वो फूल लेके गई थी मोमल और सैफा, तो दोनों की नई शादी हुई है, तो वो सलाम करने आए थे, अपने घरों में जा रहे थे, दूसरे शहर में रहते हैं ईद के लिए, तो जाते जाते मुझे से खुशबू वो भी देख के गए। अली भी लाया, ये मेरी सहेली एक फॉरेनर है, उन्होंने कैंडल का दिया हुआ है तोहफा, स्वीट ड्रीम्स इसका नाम है, ये वो है। और ये मेरी बेटी फिप्सिया, उसने एक शमादान दिया था, बहुत खूबसूरत है, आप देखें, ये बहादुर शाह जफर के मज़ार का है, बर्मा रंगून का, वो है। और ये इमरजेंसी लाइट मेरे मियाँ फारूक ने ला के दी थी, कि जब तक कोई और इंतज़ाम नहीं होता तो ये मेरा स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। ये सबा ने दिया था, मेरी ऑफिसर है स्कूल की, उन्होंने ये छोटे छोटे से तोहफे मुझे बहुत अजीज हैं, मेरी बहन ने दिए थे, खूबसूरत कलर्स वो। बहरहाल अब आपको ये, हाँ एक और तोहफा दिखा दो, ये मेरी बहू ने दिया था, पेंसिल बॉक्स है और तस्बीह बॉक्स है, ये भी ये बैंकॉक में वो रहती है उसका है, वो माशाल्लाह मेरे मियाँ के वो क्लिपर्स जो होते हैं वो हैं, कागज़ उसको ठीक करने के, तो ये मेरे भाई का है, पंचिंग मशीन जो भी कुछ कहते हैं इसको, बाहर चीज़ें सारी ये अम्मा का है, ये अम्मा ने बनाया था, अम्मा का है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी यादें हैं, और इसी से जुड़ी उस बच्चे की नात भी है जो उसने तोहफ़तन मुझे सुना के ऊपर टेप करा के भेजी, उसकी बरकत से, एक मासूम की बरकत से। बस अली से गलती ये हो गई कि उसने उसका नाम नहीं पूछा, मगर वो कह रहा था कि वो अक्सर यहाँ नज़र आएगा, फिर मैं आपको उसकी नात सुनाती हूँ, ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। मेरी बहनों को सलामत रखे, ऊपर वाली बहनों को। जब तुम न करोगे तो करम कौन करेगा,
आप अगर ना होते तो ये दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवारी, शाहे मदीना। ये महफिल सजा दी, तारीकियों में शम्मा जला दी, कांधे पे तेरे जंबली है काली, सारे नबी तेरे दल के सवारी, शाहे माया मैम की नजर एक नात है, उनके लिए है ये नजर सुनाए। मदीने वाले का जो भी गुलाम हो जाए, कसम खुदा की वो आलिम काम हो जाए, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली